घर वापस जाने की खुशी में राजकुमार खांडेराव चैन की नींद सो रहा होगा। अगर नहीं जानता कि इस नींद से कभी उठ नहीं पाएगा वो। चलो आ गए तुम, क्या खबर है? कम को बताते हैं? हमें लगा कोई सैनिक है। जी मुझे पता है सरकार, आपने कुछ सैनिकों को कह रखा है कि समय समय पर आपको हालात की जानकारी दे। इससे पहले भी मैंने देखा है सरकार, आप युवराज खंडेराव के बारे में जानकारी लेते रहे हैं। क्या करें गंगू बताते हैं, सीने में पिता का जो दिल है कभी कभी मां जैसी हरकत करने लगता है। खंडेराव की सुरक्षा से जुड़ी सारी व्यवस्था हो चुकी है, सैनिकों की फौज को भी वहां पहुंचे काफी समय हो चुका होगा। अब बस शिव शंभू की कृपा से हमारी बनाई योजना सफल हो जाए और हमारा बेटा सुरक्षित घर लौटे। जी सरकार, ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आप अब तक घर क्यों नहीं गए? युवराज खंडेराव का जीवन संकट में है सरकार, आपकी मनस्थिति से भी मैं अनजान नहीं हूं। आप इतनी देर तक जग रहे हैं, फिर मैं निश्चिंत हूं कि घर कैसे जा सकता हूं? बहुत समय हो गया, अभी तक कोई नई सूचना नहीं मिली, उम्मीद है सब ठीक होगा। जी सरकार, सूचना आई है। इस
इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ। क्या? अभी अभी खबर मिली है सरकार की, हमने जो सेना भेजी थी वो युवराज खंडेराव की मदद के लिए अभी तक पहुंची नहीं है। कभी बहुत छीड़ होती थी मुझे खंडेराव से, बहुत जलन होती थी कि उसे सब मिल जाता है और मुझे हर चीज के लिए रोना पड़ता है। बहुत बार झगड़े हुए हमारे, चिल्लाई उस पर, बहुत बुरा भला कहा है मैंने उसे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरा भाई इस तरह। मेरे बेटे को किसकी हाय लग गई, किसकी बद्दुआ लग गई है मेरे बेटे को। अपने पति का भला सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसकी भाग्य रेखा को बढ़ाने के लिए किसी और की भाग्य रेखा को छोटा करना गलत है। किसी ने नहीं चाहता ऐसा हो जाए सीता। अगर ये खबर सच है तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना शोर, शस्त्रशाला पर हमला हुआ है रानी साहिब। क्या आप सब यही रुकिए, सासुबाई का ध्यान रखना। पर तुम कहाँ जा रही हो? बाबा साहब ने वाड़ी की जिम्मेदारी मुझे दी है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। अहिल्या चलिए। अहिल्या संभालो, क्या रहा है? पहले खंडेराव की छावनी पर हमला हुआ और अब हम वाड़े पर? इन दोनों हमलों के पीछे निजाम की सेना का ही हाथ है, यही सोचा होगा उन्होंने। इस वक्त वाड़े के सारे पुरुष खंडेराव को ढूंढने गए होंगे, हम औरतों को डराना चाहते हैं ये लोग। बात तो सही है, घर का कोई पुरुष भी नहीं हमारे साथ जो हमारी रक्षा कर सके। क्या अहिल्या हम सबकी जान बचा पाएगी? Oh,
तुम जो कोई भी हो अब मुझसे मुकाबला करो। देव जी की कृपा है जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बहुत पछतावा होता हमें। ये हमारे बेटे को बचाने के लिए किसी और के बेटे का जीवन छीन लिया। जब छावनी के पूरी तरह जल जाने और तुम्हारे लापता होने की खबर मिली हमें लगा मैं जिंदा हूं सरकार, पर इस बार केवल ईश्वर की कृपा से नहीं बल्कि छोटे सूबेदार जी के साहस के कारण। जी हां सरकार, जब मैं आपका संदेश लेकर छोटे सूबेदार जी के पास पहुंचा तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम। हमारे बहुत समझाने के बाद वो राजी हो गए और फिर आप जैसे वफादार और बहादुर सिपाहियों की जान को अगर हमने यूं ही कुर्बान कर दिया तो मालवा की गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हम। लेकिन युवराज एक योजना हमारे दिमाग में भी आई है। हमें इस रास्ते से जाना है ना, पहले हमने आराम के लिए इस जगह यहां पर रुकने का सोचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप पूरब से होते हुए यहां इस जगह रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। ये गांव मालवा की सीमा पर है और यहां के जमींदार सरदार मान सिंह मालवा के शुभचिंतक हैं। हम उन्हें खबर कर देंगे, वो आपके लिए सहायता भेज देंगे, लेकिन मान सिंह के लोगों के आ जाने तक मोर्चा आपको अकेले संभालना होगा। ठीक है जी। जैसे पिता वैसे पुत्र, लगा जैसे मल्हार सरकार सामने खड़े हों। आइए युवराज, आपका घोड़ा तैयार है। छावनी पर हमला होने और आग लगने के बाद मैं किसी तरह वहां से बचकर जंगल में चला गया। दुश्मन के सिपाहियों ने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ भी लिया। मैंने सोचा मेरी मौत निश्चित है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। हमारी ताकत जवाब दे चुकी थी सरकार, पर तभी राजपूत सरदार मान सिंह के सैनिक वहां पर आए और उन्होंने हमें बचा लिया। इतने कठिन समय में छोटे सूबेदार जी ने इतने जल्दी इतनी अच्छी योजना बना दी और वो सफल भी हो गई। सुना था राजा देवता का अंश होता है, पर हमारे लिए मालवा का होने वाला राजा
इसे देवता से कम नहीं। आज इन्हीं के कारण हम जिंदा हैं और आपके सामने खड़े हैं। हमारी जान बचाने के लिए जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसे मरने के लिए कैसे छोड़ देते? वाह छोटे सूबेदार जी, आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। इतनी बुद्धिमानियों से आपने मुश्किल समय में काम लिया, वाह। बिल्कुल ऐसी नपीतुली रणनीति और पूरे इलाके के सभी रास्ते और राज्यों की पहचान, कमाल, कमाल युवराज। दिन के पास आकर बैठना, क्या चल रहा है आपके मन में छोटे सूबेदार जी? कुछ खास नहीं है अहिल्या। तुम क्यों परेशान हो रही हो अहिल्या? इस वक्त तुम हमारे साथ हो, हमारे पास हो, और इससे खास कुछ नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं नहीं समझ सकती कि आप अब भी बाबा साहेब से नाराज हैं। ये गलत सोचते हैं आप। कल का जश्न भव्य होना चाहिए, यादगार। सालों तक लोग जिसकी चर्चा करते रहे। जानते हैं तैयारी के लिए ज्यादा समय है नहीं, मगर आप सब मिलकर ठान लें तो क्या नहीं हो सकता। जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी कल्पना से भी बढ़कर होगा कल का जश्न। पूरा इंदौर शहर दावत में शामिल होगा, सबका आशीर्वाद और दुआएं मिलेंगी खंडेराव को। यही चाहते हैं हम। चले, हमें भी काफी काम है घर के, हम आते हैं। सरकार आइए आइए। काफी देर से देख रहे हैं हम, अब हमारी तरफ देखे जा रही हैं। कुछ हमारे चेहरे पर लगा है क्या? नहीं। बरसों बाद आपको इतना खुश देख रही हूं। शायद खंडेराव के जन्म के बाद आज वही खुशी आपके चेहरे पर दिख रही थी। काफी बड़ा हो गया हमारा बेटा, और बिल्कुल वैसा ही रूप लेकर आया हमारे सामने जिसकी हमने कल्पना की थी, प्रार्थना की थी। एक होनहार विद्वान, दयावान और बलवान युवराज। खंडेराव का स्वागत करते समय भी मेरी आंखें आप पर ही टिकी हुई थी। किस तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे आप, अपनी आंसुओं को छुपाने के लिए खुद से ही लड़ रहे थे आप। किसी और ने देखा नहीं होगा शायद,
लेकिन मैं सब देख भी रही थी और समझ भी रही थी। गौतम मैम, हम नहीं चाहते खंडेराव कभी हमारे आंसुओं को देखे, मगर हमारे दिल में खंडेराव के लिए जो प्यार स्नेह सम्मान छुपा हुआ है, क्या खंडेराव वो सब कभी देख पाएगा, महसूस कर पाएगा? कभी? कैसे महसूस होगा हमें अहिल्या, कैसे? 7 साल कम नहीं होते। 7 सालों में दुनिया यहां की वहां हो जाती, पर अफसोस बाबा साहेब के लिए हमारी सोच नहीं बदल सकी, और वो इसलिए क्योंकि इन 7 सालों में बहुत सहा है हमने अहिल्या। छोटे सुबेदार जी, आपने सबसे ज्यादा सहा है, मैं मानती हूं, क्योंकि आप अपनों से दूर थे, अकेले थे, लेकिन आपसे दूर रहने का दर्द यहां भी सबने सहा है, बाबा साहेब ने भी। छोटे सुबेदार जी, आपको याद होगा तो आपके जाने से पहले हमने क्या बातें की थी, आप बहुत गुस्से में जा रहे थे और मैंने आपको समझाया था कि बाबा साहेब ने किस लिए और क्या सोच कर आपको गुरुजी के पास भेजने का निर्णय लिया है, पर आप तो तब मान भी गए थे। आपने कहा था, मैं वो बेटा बनकर वापस लौटूंगा जिस पे बाबा साहेब को नाज होगा, लेकिन आप तो अब भी बाबा साहेब से नाराज है। छोटे सुबेदार जी, आज आप जो कुछ सीख कर आए हैं, जिस काबिल बनकर आए हैं, ये बाबा साहेब की वजह से ही तो है। अगर उन्होंने गुरुजी के पास आपको भेजा नहीं होता तो शायद आपको इसीलिए हम तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। बाबा साहेब का इस कदर असर है तुम पर, तुम इतना मानती हो उन्हें कि तुम हमें कभी समझ ही नहीं पाओगी। ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है अहिल्या? 7 साल बाद हम वापस लौट के आए, 7 साल तक ना हम कभी मिले, ना एक दूसरे को देखा, ना बात की, लेकिन बजाय कि तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमें कितना याद किया या ये 7 बरस तुमने हमारे बगैर कैसे बिताए, तुम ये जानना चाहती हो कि बाबा साहब के साथ हमारा बर्ताव इतना रूखा क्यों था। छोटे सुबेदार जी, इस संसार में आपसे बढ़कर और कोई नहीं है मेरे लिए, आप है तभी ये सारे रिश्ते हैं मेरे लिए, और मैंने जो भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। मैं सब याद है अहिल्या, जाने के पहले जो तुमने कहा था और जो हमने सब, लेकिन 7 साल अहिल्या, वो अकेलापन, चौदह साल का था मैं, 14 साल का बच्चा जो हमेशा ऐशो आराम में पला हो, लाड़ प्यार में पला हो, और कभी कभी लंबे समय के लिए अपनों से दूर ना रहा, उसे एक दिन अचानक 7 साल के लिए दूर भेज दिया। उस 14 साल के बच्चे के दिल पे क्या बीती वो बच्चा ही समझ सकता है, और कोई नहीं। जो वादा किया था हमने तुमसे, तनाई के दर्द के बोझ तले अपना दम तोड़ दिया, क्या करते हम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।